होंडा इमेज में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी गियर का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जो अंदर लीवर होता है, जो 1 2 3 आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये थोड़ा सा ये 1 2 3 है। सिंपल ये है, जब हम यहाँ से गियर लीवर को मूवमेंट करते हैं तो ये सारी वायर जो लगी है, दो वायर होती है इसमें, एक शिफ्टर को लिफ्ट ऑफ करती है, ऊपर नीचे करती है, और जो सेकेंड वायर होती है वो गियर डालने का काम करती है। तो नॉर्मली ये जब हम इसको लेफ्ट राइट करते हैं तो ये ऐसे मूवमेंट करता है, आप देख सकते हो। जब हम लेफ्ट राइट इसको करते हैं तो ये ऐसे मूवमेंट, राइट लेफ्ट और ये राइट, और जब इसको हम सिंपली गेट डालेंगे तो ये दोनों वायर चलेंगी। अब देख, मैं थोड़ा सा पास में ले जाके बता देता हूँ। ये हमने जब डायरेक्टली चौथा गेट डाला है, ये तीसरा चौथा, ये चौथा गेट है। नॉर्मली इस तरीके से काम करती है। इसका कंसोल कहाँ है? नॉर्मली इस तरीके से काम करती है। और जो दूसरी वायर होती है उसका काम होता है शिफ्टर को अप डाउन करना, ऊपर नीचे करना, इस टाइप से। इसका जब हम लेफ्ट राइट करेंगे तो ये शिफ्टर डाउन हो जाता है, और जब लेफ्ट करते तो शिफ्टर उठ जाता है। यह है अंदर का जो गेट लीवर का जो मैकेनिज्म होता है वायर वाला, वो यही होता है। नॉर्मली इसमें डलता है पहला गेट और उसी साइड में दूसरा। उसके बाद जब हम इसको बिल्कुल न्यूट्रल करके करेंगे, उसके बाद डलेगा चौथा, फिर न्यूट्रल पे ही, न्यूट्रल करने के बाद तीसरा डलता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल राइट में करेंगे तो बैक गेट डल जाएगा। जब बैक पीछे की साइड लीवर को हम मूव करेंगे तो बैक गेट डल जाएगा, और उसके बाद इसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो पाँचवा गेट डल जाएगा। जिस हिसाब से इसमें मेंशन होता है 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स,